मप्र में स्कूल बंद के बाद समस्त शिक्षकों को निर्देश, शिक्षकों के लिए नई गाइडलाइन जारी। मुख्य बात यह है कि जिस तरह से हम सभी कलेक्टिवली 1.5 साल इस चुनौती को सामना किया है, उसी जज्बा और उसी शिद्दत और उसी डेडिकेशन के साथ हम लोग आने वाला 2 महीने का भी मुकाबला करेंगे और कोशिश ये होगी कि किसी तरह से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्लास नहीं चलेगा तो मैं उसको पूरा कॉम्पेंसेट करूंगा या आप उसको कॉम्पेंसेट करोगे, हम कोशिश ये करेंगे कि कितना कम हम लर्निंग लॉस कर सकते हैं, लर्निंग लॉस को कितना कम कर सकते हैं और कितना बेहतर हम प्रयास कर सकते हैं। मैं अकेला यहाँ बैठे हुए लोग या जिले में बैठे हुए लोगों से ये होने वाला काम नहीं है। जब तक आप फील्ड में काम कर रहे हैं, सभी साथी आप इस डेडिकेशन के साथ काम करेंगे तभी हम लोग ये चुनौती को अच्छे से सामना कर पाएंगे। मध्य प्रदेश के स्कूल स्टूडेंट्स का दैनिक रूटीन सोमवार 17 के जनवरी से कुछ बदला सा होगा। उनके स्कूल तो बंद रहेंगे पर उनके घर का एक हिस्सा ही उनका स्कूल बन जाएगा। घर के बड़े उनके मेंटर्स की भूमिका में होंगे तो पाई के टिप्स उन्हें रेडियो और व्हाट्सएप से प्राप्त होंगे। हमारा घर हमारा विद्यालय फिर से शुरू हो रहा है। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री धनराजू एस ने बताया कि दरअसल कोविड-19 बीमारी से बच्चों सुरक्षा की दृष्टि से शासन ने एक बार पुनः कक्षा 1 से 12 के स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है, पर विद्यार्थियों की पाई की निरंतरता भी आवश्यक है। इस दृष्टि से गृह आधारित शिक्षा की भी व्यवस्था पुनः प्रारंभ की गई है। दिनांक 17 जनवरी 2022 से हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें पूर्व की भांति प्रतिदिन एवं नियमित अध्ययन हेतु घर में ही शाला जैसा वातावरण निर्मित कर शैक्षिक गतिविधियों संचालित की जाएंगी। साथ ही विद्यार्थी अपने घर के वातावरण, परिवेश, परिवार के बड़े बुजुर्गों, वरिष्ठ शाला कॉलेज में अध्ययनरत बड़े भाई बहन के सहयोग से घर पर ही रहकर पढ़ाई करेंगे। प्रतिदिन एवं नियमित अध्ययन हेतु घर में ही शाला जैसा वातावरण निर्मित कर शैक्षिक गतिविधियों संचालित की जाएंगी। साथ ही विद्यार्थी अपने घर के वातावरण, परिवेश, परिवार के बड़े बुजुर्गों, वरिष्ठ शाला कॉलेज में अध्ययनरत बड़े भाई बहन के सहयोग से घर पर ही रहकर पढ़ाई करेंगे। इसमें बच्चे के पास सीखने के स्रोत के रूप में उपलब्ध रेडियो, पाठ्य पुस्तक एवं अभ्यास पुस्तिका के आधार पर लर्निंग पैकेज तैयार किया गया है। शिक्षकों की भूमिका। शिक्षकों के मोबाइल पर एक दिवस पूर्व शाम को 8 बजे तक डिजिलैप के वीडियो भेजे जाएंगे, जिन्हें अगले दिन आपको कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रातः 10 बजे तक भेजना होगा। भेजने से पूर्व वीडियो देखें एवं बच्चों को लिखित ऑडियो के माध्यम से व्हाट्सएप समूह पर सूचना संदेश दें। प्रतिदिन अपने विद्यालय के कम से कम 0-5 बच्चों से मोबाइल के माध्यम से पढ़ी गई सामग्री पर चर्चा कर अगले दिन की सामग्री के बारे में बताना तथा रिकॉर्ड संधारित करना। प्रतिदिन विद्यालय समय में गांव, शहर के एक मोहल्ले में 0-5 बच्चों जिनके पास मोबाइल उपलब्ध नहीं है के घर जाकर गृह संपर्क के रूप में हमारा घर हमारा विद्यालय के कार्य का अवलोकन एवं आकलन करेंगे तथा फीडबैक देंगे। बच्चों से उनकी समस्याएं पूछेंगे तथा उनका समाधान करेंगे। समय सारिणी अनुसार गतिविधियों का अवलोकन एवं आकलन करना तथा अपना फीडबैक डायरी में प्रस्तुत करेंगे। इसी के साथ शिक्षक बच्चों से गृह कार्य जैसे एक ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, बच्चों के प्रतिदिन पढ़ने एवं लिखने की कॉपी की जांच करेंगे, मौखिक गणित पर चर्चा करेंगे एवं उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे।